हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे मखाने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मखाने जिसको अंग्रेजी में फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, ये एक ऐसा सुपर फूड है जो हर घर में होना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मखाने में फैट की जो क्वांटिटी होती है वो लगभग ना के बराबर होती है, सिर्फ 0.0% फैट होता है। इसलिए ये हार्ट पेशेंट्स के लिए और जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है उनके लिए एकदम सेफ है और वो बड़ी खुशी से इसको खा सकते हैं। दोस्तों मखाना नमकीन के रूप में भी आता है और कई जगहों पर खाया जाता है। आप इसे ओवन में पकाकर भी खा सकते हैं। अगर आप मखाने में थोड़ा स्वाद लगाना चाहते हैं, थोड़ा स्वाद डालना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत नींबू और नमक मिलाकर भी खा सकते हैं, या फिर आप खाने वाली गोंद के साथ खा सकते हैं। खाने वाली गोंद को पतला लिक्विड बनाकर इसमें मखाने डाल दीजिए, ये आपका बेहतरीन स्नैक तैयार हो जाएगा। होगा थोड़ा स्टिकी, लेकिन इसमें आप नमक या फिर स्वाद अनुसार थोड़ी बहुत मिठास डालकर आप इसे एक अच्छा स्नैक के रूप में खा सकते हैं। आजकल मखानों को स्नैक्स के रूप में काफी खाया जा रहा है और ये बहुत ही हेल्दी स्नैक होता है। अब बात करते हैं मखानों के फायदे के बारे में। दोस्तों मखाना ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता। ये हार्ट के लिए यानी कि आपके दिल के लिए बेहतरीन होता है और मोटापा कम करने में काफी मददगार साबित होता है। जी हाँ, अब आप पूछेंगे क्यों। दोस्तों क्योंकि सच्ची बात यह है कि 1 किलो मखाने में करीब करीब लगभग 350 से 400 कैलोरी होती है, जो कि बहुत कम होती है। इसलिए थोड़ा सा मखाना खाने से ही आपका पेट बहुत भर जाता है और आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती है, जिस कारण आपका वेट लॉस में बहुत फायदा होता है। दोस्तों मखाना डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जी हाँ, क्योंकि इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होती है, तो अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं तो आज से ही आप मखाने का सेवन करें, बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों ये एजिंग रोकने के लिए भी काफी मददगार होता है, यानी कि जो महिलाएं या फिर जो पुरुष चाहते हैं अपनी एज को कम करना, यानी कि हमेशा तरोताजा जवान दिखना, अपनी स्किन को बेहतर बनाना, तो इसके लिए भी आप मखाने का सेवन करें। दोस्तों मखाना ना केवल स्किन के लिए बल्कि आपकी किडनी के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो जो लोग इसे खाते हैं उनको अक्सर किडनी रोग भी बहुत कम होते हैं अगर आप निरंतर यानी लगातार इसको खाते रहें। मखाने में बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो जो लोग जिनको ग्लूटेन की समस्या होती है यानी कि जो ग्लूटेन वाली चीजें नहीं खा सकते वो भी मखाने का सेवन कर सकते हैं, तो इसलिए डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों अगर बात की जाए प्रोटीन की, तो मखाने में प्रोटीन भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। जी हाँ, तो इसी वजह से मखाना प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स है। इसमें लगभग करीब 9 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है और मखाना एक ऐसी चीज है जो हर कोई खा सकता है और बहुत हेल्दी चीज होती है। अगर बात की जाए इसकी पैदावार में, तो मखाना बिहार और अन्य जगहों पर बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, खासकर बिहार में। ये लोटस के बीज से बनता है, यानी कि जो कमल का बीज है उससे बनता है, और इसे तरह तरह से खाया जा सकता है। मखाने को आप रोस्ट करके खाइए, मिठाई में बनाकर खाइए, मीठा बनाकर खाइए, नमकीन बनाकर खाइए, या फिर सब्जी में डाल के खाइए, या रायता बनाकर खाइए। दोस्तों आप अलग अलग फॉर्म में मखाने को खा सकते हैं, मीठा, नमकीन, सब्जी, रायता, जैसा आपको मन करे वैसा आप मखाना को बना के खाइए। दोस्तों याद रखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मखाने को कभी भी फ्राई करके नहीं खाना चाहिए, इससे उसके सारे जितने भी फायदे हैं, प्रॉपर्टीज हैं, सब के सब बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए हमेशा मखाने को आप रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी फ्राई करके ना खाएं। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट जानकारी। दोस्तों मखाने आप जरूर आज से ही खाना चालू करें, बहुत फायदे की चीज है और आपको उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, ताकि ये सुपर फूड सबको मिल सके, सबको उसकी जानकारी मिल सके और वो आज से ही इसका फायदा प्राप्त कर सके। दोस्तों आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके। दोस्तों आप सभी ने अपना समय दिया, थैंक यू दोस्तों।